तकरीबन सवा दो साल जेल में बिताने के बाद पिछले हफ्ते रिहा हुए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर के विधायक मोहम्मद आजम खान विधानसभा मंडप में सोमवार को दाखिल तो हुए लेकिन बजट सत्र की कार्यवाही में शामिल हुए बगैर चले गए। वह 10वीं बार विधायक चुने गए हैं। सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण से पूर्व विधान भवन पहुंचे आजम खान और रामपुर के स्वर डाटा सीट से विधायक उनके पुत्र अब्दुल्ला ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ दी। शपथ लेने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष से बाहर निकलकर आजम सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा मंडप में दाखिल हुए। ई विधान व्यवस्था के तहत उन्हें नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बगल के सीट आवंटित की गई है लेकिन आजम अपनी सीट पर ना जाकर सदन के गलियारों से होकर विधानसभा की लॉबी में चले गए। वहां कुछ देर रुके और वह लिफ्ट से भूतल पर उतरे और विधान भवन से चले गए। विधान भवन में अपनी मौजूदगी के दौरान आजम लगातार मीडिया से कन्नी काटते रहे। अलबत्ता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इन बातों का कोई वजूद नहीं है। ये पूछे जाने पर कि जेल में कैद के दौरान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने क्या उनका हालचाल पूछा, आजम ने तंज भरे अंदाज में कहा कि शायद नेताजी के पास मेरे फोन नंबर ना रहे हों। आजम बेशक सोमवार को बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण कार्यक्रम में सदन में मौजूद नहीं रहे लेकिन उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व सपा के टिकट पर जसवंत नगर से विधानसभा चुने गए शिवपाल सिंह यादव राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विधानसभा मंडप में उपस्थित थे। यह बात और है कि सपा के अन्य सदस्यों की तरह उनके सर से लाल टोपी नदारद थी। अभिभाषण के दौरान सपा सदस्यों की ओर से विधानसभा मंडप में किए गए हंगामे और नारेबाजी से भी दोनों ने खुद को दूर रखा। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर एयरफोन लगाए अभिभाषण सुनते रहे। इससे पहले सुबह 10:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम और उनके पुत्र अब्दुल्ला को अपने कक्ष में शपथ दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें संविधान के प्रति और विधानसभा कार्य संचालन नियमावली भेंट की। उन्होंने दोनों सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि विधानसभा में एक जागरूक और सफल विधायक के रूप में कामयाब हो, यशस्वी हो तथा सदन में होने वाली बहस में हिस्सा लेकर अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निराकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। गौरतलब है कि जेल में रहने के कारण आजम खान अब तक शपथ नहीं ले सके थे। अब्दुल्ला ने भी अभी तक शपथ नहीं ली थी।